हे फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर डी के। एंड आज हम जिस शेयर के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है वी सागर फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड। जी हाँ, ये एक फाइनेंस सेक्टर कंपनी है। यदि बात करूँ मैं इसके करंट प्राइस की तो शेयर फिलहाल 5.42 रुपये पर ट्रेड कर रहा है और कल हमें इसके अंदर अप्रोक्सीमेट 5% की जो फिर से गिरावट देखने को मिल रही है। आप देखोगे इसके अंदर जो लोअर सर्किट लगा था वो 28 जनवरी को लगा था, वहाँ से इसके अंदर जो आपको लगातार लोअर सर्किट देखने को मिल रहा है। अब तक इसके अंदर जो है 6 लोअर सर्किट लग चुके हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या इसका सपोर्ट लेवल रहने वाला है, किस लेवल से आपको जो है फिर से इसके अंदर तेज़ी देखने को मिल सकती है और तेज़ी के बाद इसका क्या टारगेट रहने वाला है। तो आइए मैं आपको एक बात बता देता हूँ। मैंने हमारी पिछली वीडियो पर 20 जनवरी जी हाँ 20 जनवरी को वीडियो बनाया था जब इसने स्टॉक स्प्लिट और बोनस दिया था, तो हमने बताया था कि इसके अंदर आपको फ्रेश एंट्री नहीं लेनी है जब तक आपके जो शेयर हैं बोनस और स्टॉक स्प्लिट नहीं आ जाता। क्योंकि आप देखोगे एक बार तो शेयर के अंदर कोई भी शेयर हो चाहे जो स्टॉक स्प्लिट और बोनस देता है तो उसके बाद आपको एक बार उसके अंदर तेज़ी देखने को मिलती है, उसके अंदर आपको 20-30% तक की भी तेज़ी देखने को मिल सकती है। उसके बाद उसके अंदर जो लोअर सर्किट लगता है फिर आपको उसके अंदर अप्रोक्सीमेट 50% की गिरावट देखने को मिलती है। तो मैंने इसको लेकर भी आपको अवेयर किया था कि आपको जो इसके अंदर फ्रेश एंट्री नहीं लेनी है, इससे आप इसके अंदर फंस भी सकते हो क्योंकि लोअर सर्किट में कभी भी जो शेयर है वो सेल नहीं होते। आपको पता ही होगा जब तक आपको इसके अंदर अपर सर्किट देखने को नहीं मिलता तब तक आपके जो शेयर है वो सेल नहीं होंगे। अगर बात करें हम इसके सपोर्ट लेवल की तो इसका क्या सपोर्ट लेवल रहने वाला है, इसका जो सपोर्ट लेवल निकल कर आया है वो 3.80 रुपये है। जी हाँ, 3.80 रुपये इसका सपोर्ट लेवल है। 3.80 रुपये से पहले ही आपको जो है इसके अंदर अपर सर्किट देखने को मिल जाएगा। अगर ये 3.80 रुपये को ब्रेकआउट कर देता है तो फिर हमें ये 2.60 रुपये तक भी आते देखने को मिल सकता है। फिलहाल के लिए आपको जो इसके अंदर है अपर सर्किट देखने को मिलेगा वो 3.80 रुपये से पहले ही देखने को मिल जाएगा, तो उसको लेकर आपको पैनिक नहीं होना है। अगर आपको इसके अंदर प्रॉफिट चाहिए, जी हाँ अगर आपको इसके अंदर प्रॉफिट चाहिए तो जैसे ही इसके अंदर जो आपको अपर सर्किट देखने को मिल जाए, जी हाँ जैसे ही आपको इसके अंदर अपर सर्किट देखने को मिल जाए आपको 2-3 दिन के लिए इसको देखते रहना है जब इसके अंदर अपर सर्किट लगता है। क्योंकि आपने देखा होगा कभी भी जो अपर सर्किट लगता है वो 1-2 दिन देखने को मिलता है, उसके बाद फिर उसे उसके अंदर जो आपको एलसी देखने को मिल जाता है क्योंकि अपने ऊपर जो सेलिंग का प्रेशर बढ़ जाता है, इसी कारण जो आपको उसके अंदर लोअर सर्किट देखने को मिलता है फिर से। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ आपको 2-3 दिन देखते रहना है। अगर अपर सर्किट जारी रहता है, जी हाँ कंटिन्यूसली अपर सर्किट लगता रहता है, तो आपको इसके अंदर जो है फ्रेश एंट्री लेनी है। आपके मान लीजिए पहले 100 शेयर थे तो आपको 100 शेयर और बाय करने हैं जब इसके अंदर आपको अपर सर्किट देखने को मिल जाए। इससे क्या होगा, आपका जो पहले जो आपने शेयर लिए थे उसके बाइंग प्राइस में और अब जो शेयर आपने लिए इसके बाइंग प्राइस में डिफरेंस होगा और दोनों का मिलाकर जो प्राइस होगा बाइंग प्राइस होगा थोड़ा कम हो जाएगा, इससे आपका जो लॉस है वो जल्दी रिकवर हो जाएगा। अब बात आती है इसके टारगेट की, अपर सर्किट लगने के बाद इसका क्या टारगेट रहने वाला है। जिस प्राइस पर जो है इसके अंदर अपर सर्किट लगेगा उससे आपको ये 50% जाते देखने को मिलेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कीजिए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।